अपनी भाषा का प्रति असल माँ वे माँ सबसे बड़ी कमी हम लोगों की चाहिए कि हमन कभी अपनी भाषा अपनी लोक भाषा अपनी लोक संस्कृति के वास्ते कभी दबाव नहीं बनाए, कभी नेताओं फरे अपने नेताओं फरे दबाव नहीं बनाए। हमन वो थे एप्लीकेशन भी दें तो केवल सड़क स्कूल अस्पताल एक अलावा हमन कभी अभी अपने कल्चर का प्रमोशन का वास्ते उनसे बात नहीं करी। तो अब लोगों में जागरूकता आएगी, सबसे ज़्यादा साहित्य गढ़वाली भाषा में और कुमाऊनी भाषा में छपनो जौन सारी भाषा में कम काम हो चु। इलाका भी बहुत छोटो का इलाका है, तो हम फिलहाल गढ़वाली कुमाऊनी की बात करता और ये आठवीं अनुसूची में वे थे शामिल करने की सिफारिश करता हम बार बार। एक से ये माँ बहुत पहली हमारा सांसद सतपाल महाराज जिन प्रयास करी छो प्रयास छो ये माँ और उनका प्रयास से ही 80 सांसदों कांग्रेस का 80 सांसदों जो चु ये एक प्रधानमंत्री थे ने लेके दे कि यह भाषा जो छो राष्ट्रभाषा का रूप में जब हमारे 22 भाषा राष्ट्रभाषा सन ये भाषा भी है माँ आंचन गढ़वाली कुमाऊनी भाषा किले की एक बोलदारा समझदारा लगभग 40-40 लाख दुई जगह छन गढ़वाल में कुमाऊ में। तो ये का वास्ता फिर प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान में ले और वे का बाद उन सीताकांत महापात्रा की एक सदस्यीय कमेटी गठित करी और वे सदस्य वे कमेटी में यू मसला जयूच अभी तक वे को रिजल्ट नहीं आए कि उन ये पर अपनी क्या राय दे कि यह भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल होनी चाहिए ना। लेकिन अब प्रेशर बनाने की जिम्मेवारी हम उत्तराखंडियों की चे कि हम एक प्रेशर बनाओ सरकार पर और बोलो उनके ये थे ना हमारे आठवीं अनुसूची में किले कि वे माई नहीं नहीं भाषा जन छोटी छोटी भाषा जो होते हैं 3-3-4-4 लाख लोग बोल दें वो भी हमारी राष्ट्रभाषा जो 22 भाषा छ वहाँ शामिल छे है ना। तो हम तो प्रेशर बना चाहिए 35-40 लाख लोग गढ़वाली कुमाऊनी बोलना चाहते हैं ये भाषा ये धरती की भाषा चाहिए देश की भाषा। जागरूकता जागरूकता वे अपनी भाषा अगर हम अगर बचाने को प्रयास नहीं कर ला तो कोई बाहर बैठी नहीं आलू की भाषा बचाना रास्ता ये पीड़ा हम तो होनी चाहिए ये हमारी पीड़ा चे अगर हमारी भाषा चे तो हम तो हमारी पीड़ा चे तो और भी पीड़ा थे ना दूर करना का वास्ता हम तो चाहूँ कि हम सरकार पर दबाव बना अपना नेता जो आपके पास वोट मांगना वास्ता ना कभी आपन बोली भी चाहिए कि भाई हमारी भाषा का बारे में सरकार क्या करनी चाहिए कभी नहीं बोली ना। तो नेता भी हुई बात थे नैतर ले जाना जो बात जनता चाहती जनता से बैठ तो वो भी नहीं जाना। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हम उतने ये बात से अवगत कराएं कि नहीं हम तो हमारी संस्कृति हमारी भाषा भी उतना प्रिय सड़क स्कूल ये तो बढ़ नहीं रहना टूट नहीं रहना उजड़ नहीं रहना फिर बढ़ना है ना। ये तो एक सतत प्रक्रिया चाहिए माइन नहीं चाहिए जो चीज़ आज बन गई वो हमेशा गुराल। लेकिन अगर भाषा हमारी संविधान के आचरण शामिल होगी तो होगी फिर वे माँ ये बरसात हो जाड़ो हो गर्मी हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो इन चीज़ों को पकड़